अभी अभी टेलीविजन पर एक खबर चल रही है कि राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आजाद कर दिया, यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। अब जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए कि आपने ऐसे आदमी को अपने गठबंधन में लेकर वोट क्यों दिलवाए। हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे विक्रम और वेताल की। वेताल विक्रम के कंधे पर चलता था बैठकर, और जब वेताल को लगता था उसकी मंजिल आ गई तो वेताल उड़ जाता था। राजभर वही वेताल है, वेताल की राजनीति है। और यहां तक पहुंचने में राजभर साहब ने न जाने कितने विक्रम के कंधों का इस्तेमाल किया। मैं जानता हूं राजभर साहब की राजनीति, मैंने शुरू में ही इलेक्शन से पहले मार्च के महीने में ये बात बता दी थी कि राजभर MIM के साथ और शिवपाल जी के साथ जो गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं, जो ये उछल फांद कर रहे हैं, ये रहेगा नहीं, ये MIM को धोखा देंगे और सपा में जाएंगे। और मैंने उन लोगों से भी कह दिया था कि चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनती है तो राजभर किसी कीमत पर इस समाजवादी गठबंधन में भी नहीं रुकेंगे, वो सीधे BJP में जाएंगे या गठबंधन छोड़ देंगे। अब 2024 के लिए एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। राजभर साहब, आपने सबको धोखा दिया। राजभर साहब की राजनीति मुझे पता है, अगर मैं डील करता तो ये 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है, राजभर खुद विधायक ना बन पाते, खुद विधायक बनने के लाले पड़ जाते। 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है। और मुझे ये भी पता है कि राजभर साहब का अगला कदम क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी राजनीति, तो इनका तरीका। मुझे ये भी पता है कि 2024 में राजभर किस पल्ले में बैठे होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बात का जवाब कौन देगा,